नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। उज्जैन में 15 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने गुरुवार को पुलिस की गिरफ्त से फरार होने का प्रयास किया। भागते समय वो गिरकर घायल हो गया, उसके पैर में चोट लगी है। आरोपी को पुलिस ने आज सुबह ही गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम भरत सोनी है। वो उज्जैन की ही झुग्गी बस्ती का रहने वाला है और ऑटो चलाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के साथ जीवनखेड़ी में दुष्कर्म किया। टीआई अजय वर्मा ने बताया कि पुलिस जब आरोपी को जांच के लिए मौके पर लेकर गई तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। आरोपी ने अचानक दौड़ लगा दी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस के जवान भी उसके पीछे भागे। इस दौरान आरोपी नीचे गिर पड़ा, जिससे उसे चोट आई। पुलिस आरोपी को लेकर जिला अस्पताल गई। आरोपी को पकड़ने के दौरान दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने बताया कि आरोपी भरत सोनी ने बच्ची को रात में रेलवे स्टेशन के सामने से बिठाया था। वो उसे जीवनखेड़ी ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि बच्ची शायद बस से देवास गेट एरिया में पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।